other places in Kangra district. It is indeed a pleasure for me to be interacting with you. So for convenience, I'll speak in Hindi or Hindi and English mix. आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है और आपका मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आपने हमको इनवाइट किया और बड़े एक इम्पॉर्टेंट इशू पे ये डिस्कशन हो रही है। देखिए, इस जॉब में और पुराने जॉब में जब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम था या प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन थे या सीएम के ऑफिस डील करते थे तो हमारा इंडस्ट्रियस से काफ़ी रब्ता होता था, काफ़ी मेल मिलाप होता था और गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हिमाचल में बढ़े। इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज़ में भी, हाउसिंग में भी, फार्मास्यूटिकल्स में भी, टूरिज्म में भी, कई फील्ड से एजुकेशन। और इसी सिलसिले में 2019 में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हिमाचल ने किया था, उसमें मैं एसोसिएटेड था और उसके बाद काफ़ी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी आए थे, MOUs भी साइन हुए, विमुक्तब वहीं थे। तो लार्जली तो हिमाचल प्रदेश सरकार की मंशा या ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में प्रमोट हो और उसमें क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, सब जगह इंडस्ट्रीज लग नहीं सकती। इंडस्ट्रीज लार्जली रिम एरियाज में लगती है, जो हमारा बॉर्डर है, क्योंकि फ्लैटर सरफेस है, वहाँ कनेक्टिविटी बेटर है, रॉ मटेरियल इजीली आ सकता है और जो मार्केट्स हैं वो भी क्लोज हैं। तो आपने देखा होगा इसी वजह से जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है लार्जली हमारे पेरिफेरी पे हुई है और हिंटरलैंड के एरियाज जो हैं, डीप इनसाइड के एरियाज बड़े सुंदर हैं, पहाड़ बड़े अच्छे हैं वहाँ और वहाँ बड़ी अच्छी वाटर बॉडीज़ हैं जिसके कारण टूरिज्म वगैरह का डेवलपमेंट वहाँ हुआ है। तो उसी कड़ी में देखिए, बॉर्डर एरियाज जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैं, इसमें काफ़ी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई और आपसे परिचय करने के बाद ये लगा कि यहाँ भी काफ़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बेस्ड हैं। लेकिन जो हमारा बड़ा हब है फार्मास्यूटिकल्स का, वो बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में है, जहाँ आप टॉप 5 या टॉप 10 जो फार्मास्यूटिकल्स की है, डॉक्टर रेड्डीज लैब, टोरेंट, सिप्ला, जाइडस कैडिला, एबोट्स, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो लोकेटेड है ग्लेनमार्क। और मैंने काफ़ी प्लांट्स वहाँ विजिट भी किए हैं, लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल्स दे हैव इनवाइटेड मी और आई हैव बीन देयर। अभी भी इनवाइट करते रहते हैं लेकिन कमिटमेंट्स के कारण मैं जा नहीं पाता और मुझे बड़ी खुशी हुई कई प्लांट्स देख के, जैसे डॉक्टर रेड्डीज लैब में मैं गया था, बड़ा मॉडर्न प्लांट है और वो यूक्रेन और रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से। और जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे FDA US का है, तो यूक्रेन और रशिया के रेगुलेटर्स आते हैं और वो वहाँ की क्वालिटी चेक करते हैं और डायरेक्टली एक्सपोर्ट होता है। ऐसी दूसरी कंपनीज़ है, टोरेंट वगैरह, तो कई कंपनीज़ तो काफ़ी बड़ी है, 1200-1500 करोड़ उन प्लांट से टर्नओवर है, काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी मॉडर्न भी हैं। और कई स्मॉल टाइम हैं, हम्बल बिगनिंग्स वाले हैं फार्मास्यूटिकल्स, तो मिक्स है। लेकिन लार्जली जो हब है नॉर्थ इंडिया का फार्मास्यूटिकल, हमारे स्टेट में BBN में है। कुछ इंडस्ट्रीज़ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में भी है, कुछ सोलन में भी है, बट लार्जली ये हब है, ये BBN में है। देखिए, जब कोविड हुआ था तो कोविड की मेजर ड्रग्स हमारे एरिया से प्रोड्यूस होती थी। जो आइनॉक्स का ऑक्सीजन सप्लाई का प्लांट है, सबसे बड़ा बद्दी में ही है, 300 मेट्रिक टन डेली की सप्लाई थी और रेमडेसिविर भी वहीं बन रहा था और जो ब्लैक फंगस की ड्रग है वो भी वहीं बन रही थी, स्टेरॉइड्स भी वहीं बन रहे थे। हम रियलाइज़ करते थे कि कोविड में काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज हैं, क्योंकि कई स्टेट्स में फेक ड्रग्स का इशू आया, फेक ऑक्सीजन का इशू आया, ब्लैक मार्केटिंग का इशू आया। तो हमने सारी इंडस्ट्रीज़ को सिक्योरिटी दे के रखी और इंश्योर किया कि जो सप्लाई चेन है हमारे स्टेट में बिल्कुल ठीक हो, ऐसा ना हो कि ट्रक लूट के ले जाएं या फेक ड्रग्स हो। तो हमने इंश्योर किया और बॉर्डर पे हम दूसरे स्टेट की पुलिस को हैंडओवर करते थे। ऑक्सीजन की जब सप्लाई की मारामारी थी तब हमने आइनॉक्स प्लांट को भी सिक्योरिटी दी थी और साथ ही साथ JNK पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस से वहाँ एस्कॉर्ट्स डिप्लॉयड थी, बिकॉज ऑक्सीजन वॉज सच प्रेशियस कमोडिटी दैट टाइम। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्श्योर कि उसकी अनइंटरप्टेड सप्लाई हो ताकि वो हॉस्पिटल तक पहुँच सके।
जो हमारे बस में था हमने किया, और जिसके कारण जो हमारा जो फार्मास्यूटिकल हब है वो देश की सेवा में अग्रणी रहा, फ्रंट लाइन में रहा। दूसरी बात है, जब कोविड का फर्स्ट फेज आया था तो पीएमओ ने और स्पेशली प्रधानमंत्री जी ने ये डायरेक्शन दिया था कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, फार्मास्यूटिकल हब है बद्दी का, ये शटडाउन हो गया है, इसको तुरंत इसको चालू कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली कोविड को फाइट करने के लिए तो ड्रग्स चाहिए। तो हमने इंश्योर किया था पास मैनेजमेंट है, क्योंकि वहाँ जो लेबर है और मैनेजमेंट है वो अक्रॉस बॉर्डर रहती है, कोई इधर रहता है कोई उधर रहता है, वो बड़ी फ्रीक्वेंट मूवमेंट थी। लेकिन हमने उसको तुरंत ऑपरेशनलाइज करवाया था, और किसी वजह से हमने कोई एक दिन का मैनडे लॉस भी नहीं किया था, और काफ़ी ड्रग्स वहाँ से फेज वन में एक्सपोर्ट भी हुई बाहर कंट्रीज़ को, क्योंकि शुरू में जो कुनीन था, HCL कुनीन जो है वो इंडिया में ही बनती थी, इन्हीं प्लांट्स में बनती थी, फॉरेन कंट्रीज़ में तो मलेरिया है ही नहीं। तो काफ़ी जो सेवा देश और विदेश की हमारे बद्दी एरिया में की, जिसमें हमारी भी काफ़ी भूमिका है। आप देखते हैं कि जो कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट, उसमें ऐसा हुआ कि जब वैक्सीन बढ़ी तो सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे में, वहाँ लोग वेंडलाइज करने लग गए, क्योंकि वैक्सीनेशन वॉज सो इम्पॉर्टेंट। हमने ऐसा कुछ नहीं होने दिया, देर वॉज नो वेंडलाइजेशन इन एनी ऑफ द प्लांट्स, हालांकि प्रेशर बहुत था। और मुझे बड़ी खुशी है, एक पेनेशिया बायोटेक करके है, उसको 5 करोड़ स्पुतनिक का जो वैक्सीन बनाने की परमिशन मिली है, और वो भी चालू हो गया है। तो हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ने कोविड में बड़ा अहम काम किया, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए, और आपको दूसरे रिकग्नाइज नहीं करें लेकिन आपको खुद को ताली बजानी चाहिए इसके लिए कि ड्यूरिंग वेरी डिफिकल्ट टाइम्स यू हैव सपोर्टेड द कंट्री। सबको पता नहीं था कि फ्यूचर क्या होगा, लेकिन आपने बहुत सपोर्ट किया। अब जब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन था, तो जस्ट मतलब लास्ट फ्यू मंथ्स कोविड जब आया था तो सैनिटाइजर बनाने की कहीं परमिशन नहीं थी, कुछ नहीं था, और सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स शट हो गए थे। तो एक L19A का लाइसेंस है, L19A जो सैनिटाइजर बनाने के लिए, क्योंकि इसके दो बेस हैं, एक तो जो इथाइल अल्कोहल बोलते हैं उसको, इथाइल अल्कोहल वाला है, इसको देयर इज अ टर्म इन एक्साइज ना, इथाइल है, तो इथाइल वाला हमने परमिशन L19A में 200 के करीब हमने कंपनीज को दी, लॉट ऑफ कंपनीज विच आर मैन्युफैक्चरिंग जैसे साइकिल पार्ट्स उनको भी दे दी, ताकि वो एटलीस्ट सैनिटाइजर बनाएं। मेंटेन डिसिप्लिन। सो वी गेव मे बी इन फ्यू डेज वी गेव लाइसेंस L19A लाइसेंस टू मोर देन 200 यूनिट्स, दिस इज अक्रॉस द स्टेट, सो दैट दे मैन्युफैक्चर सैनिटाइजर्स। सो द गुड थिंग इज दैट, अच्छी ये बात है कि ना केवल हमने सैनिटाइजर अपने स्टेट के लिए बनाया, लेकिन जो सैनिटाइजर हिमाचल का पूरे देश में गया, और जो शुरू में सैनिटाइजर की जो किल्लत थी वो काफ़ी हिमाचल प्रदेश ने इसको पूरी की। तो कोविड टाइम में लार्जली वी हेल्प फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन टर्न हेल्प द कंट्री, जिसकी वजह से काफ़ी हम एड्रेस कर पाए इसको, अदरवाइज वी वुड हैव बीन इन अ सिचुएशन दैट द इन्फेक्शन वॉज वाइड स्प्रेड बट देर वॉज नो मेडिसिन अवेलेबल। ऐसा नहीं होने दिया, देर आर बिगर फार्मास्यूटिकल यूनिट्स इन गुजरात एंड ऑल, बट नॉर्थ इंडिया का लार्जली हब यही है। अब लेकिन एक बात है कि NDPS एंड नार्कोटिक्स, दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू, और दिस हैज़ बीन एंगेजिंग द माइंड्स ऑफ पीपल ऑल ओवर द कंट्री फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। द इशू हेयर इज दैट जो यंगर जनरेशन है ओवर द ईयर्स ये इसकी एडिक्ट होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर सेफ नहीं है। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा हो गया, और पंजाब में ये कि फिज़िकल स्टैंडर्ड्स भी बहुत गिर गए हैं। पहले जो पंजाबीज थे फौज में पुलिस में, मतलब आगे थे, दे वर द फ्रंट लाइन पीपल बिकॉज दे वर सो वेल बिल्ड, बट ओवर द ईयर्स बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ नार्कोटिक्स, कहते हैं कि 10-15 ईयर्स डाउन द लाइन दे फिज़िकली बिकम वेरी वीक, और ये हिमाचल प्रदेश में भी इशू है। तो इसमें तो देखिए ऐसा है कि कैनबिस है हिमाचल प्रदेश से, वो जाता है, अफीम जाता है,
बाहर से चिट्टा या हीरोइन के डेरिवेटिव्स आते हैं और ये फार्मा ओपियाइड्स का भी इशू था, तो इसमें देर इज़ नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस है इसमें। एंड आई प्रॉमिस द चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, दैट विल हैव जीरो टॉलरेंस। और अभी 29th को एक मीटिंग हुई थी माइनिंग पे, इलीगल माइनिंग पे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक्नॉलेज कि पिछले एक साल में एंटी ड्रग्स बहुत काम हुआ है और जो हिंटरलैंड तक पहुंच गई थी, बड़े डीप तक पहुंच गई थी, उसमें काफ़ी कमी आई है। देखिए, ट्रेडिशनली जो कैनबिस है, चरस है, वो हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी थी और वो एक्सपोर्ट होती थी बाहर, ट्रैफिक बाहर होती थी। अफीम भी यहाँ नेचुरली ग्रो होती, ये भी बाहर होती है, लेकिन हीरोइन है जैसे चिट्टा ही बाहर से आता है। और हमने ये डिसाइड किया कि ये केसेस तो हम करते जा रहे हैं इसका कोई अंत नहीं है, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की जाए, इनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाए। मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले एक साल में 19 केसेस में 11.37 करोड़ प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, जिसमें 15 केस कुल्लू के हैं, कुछ केस कांगड़ा के हैं, कुछ शिमला के हैं, कुछ बिलासपुर के हैं। और आई एम ऑल इन टच विद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है, और वो विद इन वन वीक प्रॉपर्टी अटैच कर देते हैं। लेकिन मैंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी बात की, डायरेक्टर से, तो उन्होंने बोला देखिए ऐसा है कि प्रॉपर्टी तो अटैच कर देते हैं जो क्राइम में इन्वॉल्व है, लेकिन जो ड्रग्स से पैसा बनाया है ओवर द ईयर्स और उसको लॉन्डर करके लेजिटिमेट बिजनेस में लगाया है, जैसे किसी ने ड्रग्स से पैसा कमाया है, उसकी गाड़ी है, घर है, जहाँ जहाँ माल पकड़ा गया वो तो चलो अटैच हो गया, कोई बात नहीं, बट वी आर गोइंग फर्दर। हिस्टोरिकली इतिहास में उसने जितना पैसा बनाया है इसमें, उसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। उसको लॉन्डर करके, जैसे लॉन्ड्री होती ना मशीन, वॉशिंग मशीन, उसको साफ करके किसी दूसरी जगह में लगाना, तो उसको भी हम अटैक कर रहे हैं। और इन 19 केसेस को हम ईडी को अब दे रहे हैं, तो जो तो क्राइम के साथ अटैच्ड प्रॉपर्टी वो तो अटैच हुई हुई, लेकिन इन्होंने जो भी पैसा बनाया इस क्राइम से, चाहे वो होटल बनाया हो, लैंड खरीदा हो, घर बनाया, वो भी अब अटैच हो जाएगी। तो ये जो फाइनेंशियल पंच है ये देना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया कि वी आर ऑल फॉर बोनाफाइड बिजनेस एंड वी वांट टू प्रमोट, वी वांट टू गिव यू सिक्योरिटी, बट जो मेलाफाइड या जो एनडीपीएस क्राइम में आ जाता है, देन देर इज जीरो टॉलरेंस फॉर दैट। रैना साहब ने बताया 2-3 केसेस, उन्होंने पूरा इसको समझाया नहीं, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। जो यूनिक फार्मास्यूटिकल्स का यूनिक फॉर्मुलेशन जो पोंटा साहब में कंपनी है, एज पर लॉ 1 मार्च से जो आपकी मार्केटिंग कंपनी उनके साथ एमओयू होना चाहिए, इट हैज़ टू बी अ बोनाफाइड कंपनी। तो यूनिक फार्मास्यूटिकल्स के पास वो कंपनी फेक थी, अल्टीमेटली क्या था, वहाँ नहीं जा रही थी जैसे बॉम्बे या दिल्ली, वो सप्लाई चेन के माध्यम से पंजाब के बॉर्डर में जा रही थी। तो पंजाब पुलिस ने केस रजिस्टर किया था क्योंकि 50,000 उनको टेबलेट्स रेमेडोल की वहाँ मिली। ये फार्मा ओपियाइड्स बोलते हैं, ओपियम एक मेडिसिनल प्लांट है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स इसको कंट्रोल करते हैं। तो बोनाफाइड वे से उनको ओपियम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स से मिलता था, जिसको यूज़ करके उनको टेबलेट्स बनानी थी। ओपियम बड़े मेडिसिनल यूजेस में है, लेकिन वो जिस जगह जानी थी उसकी जगह वो पंजाब के बॉर्डर में गई, और पंजाब में ड्रग एडिक्शन बहुत सेंसिटिव इशू है। वो आए, फिर उसके बाद फाइनली 30 लाख से ज़्यादा टेबलेट्स पकड़ी गई, ट्रेमेडोल का ड्रम्स पकड़े गए। एक तो वो केस हो गया, एक वो केस हुआ, एक हिमाचल प्रदेश पुलिस ने भी केस किया। नाउ वी हैव हैंडेड ओवर द केस टू ईडी ऑल्सो, सो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनका जो FIR है वो रजिस्टर करने के लिए अपने हेडक्वार्टर में भेजा है, और होपफुली जब हो जाएगा। ईडी की कार्रवाई बड़ी तेज़ होती है, उसमें प्रोविजनल अटैचमेंट होती है, फाइनल अटैचमेंट होती है। मैं थोड़ा सा ध्यान ना ऑडियंस को ये करना चाहता हूँ कि एक मानव भारती का केस हुआ था, जो बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है सोलन में, वो फर्जी डिग्रियाँ बेच रही थी। उसमें क्या हुआ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने जब कैलकुलेट किया तो 440 करोड़ से ज़्यादा उसने प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई थी। हमने ईडी को केस दिया और वन शॉट में 194 करोड़ उसका अटैच हो गया, 194 करोड़, 194 करोड़। अभी प्रोसीजर चालू है
और 194 करोड़ से ये अमाउंट बढ़ेगा। तो मेरा आग्रह सारे फार्मा ओपीआईड के मैन्युफैक्चरर से है, वी वेलकम बोनाफाइड बिजनेस, मोस्ट वेलकम, विल गिव यू सिक्योरिटी, बट डोंट इंडल्ज इन इलीगल ट्रेड बिकॉज द लॉ इज़ वेरी स्ट्रिक्ट नाउ। अब 1 मार्च से इनके रूल्स में अमेंडमेंट आ गया है, आपको MOU करना है और वो कंपनी बोनाफाइड होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए। एक दूसरी कंपनी है ऑर्सन फार्मास्यूटिकल्स का, कल उसका बेल का मामला लगा था, उसमें हाई कोर्ट ने भी हमारी इन्वेस्टिगेशन को स्टैम्प किया है, रेटिफाई किया है, एंड दे ऑल्सो सेड दैट फार्मा ओपियाइड्स का स्मगलिंग ये बड़ा इशू है और सरकार इस पर काम करे। तो हमको सब्सटेंटिव लॉ भी है और हाई कोर्ट का कल डिसीजन आया वो भी है। तो मेरा यही आग्रह रहेगा सारे मैन्युफैक्चरर्स से, काइंडली फॉलो द रूल्स और काइंडली सी दैट ऑल योर प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर बोनाफाइड पर्पसेस। बाकी यू आर इन्वेस्टिंग इन हिमाचल प्रदेश, यू आर क्रिएटिंग वेल्थ फॉर हिमाचल प्रदेश, यू आर गिविंग जॉब्स टू हिमाचल प्रदेश, मोस्ट वेलकम एंड वी विल लाइक टू ऑनर यू फॉर दैट, वी विल लाइक टू थैंक यू फॉर दैट, बट माई रिक्वेस्ट इज दैट काइंडली डोंट गो आउट ऑफ द लाइन, मार्जिनल आउट ऑफ द लाइन वी ऑल्सो डोंट माइंड, बट आउट ऑफ द लाइन है वो फिर देन वील हैव टू टेक एक्शन। सो वेन एक्शन इज टेकन, आई डोंट बिलीव इन सॉफ्ट एक्शन, आई बिलीव वेन यू टेक एक्शन इट शुड बी कम्प्लीट। सो वी हैव नो ऑप्शन बट टू गिव दीज फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन केसेज टू ED, सो देन वट एवर यू हैव अर्न्ड फ्रॉम दैट दैट गेट्स अटैच, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, मतलब ये ठीक बात नहीं है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा, जो ड्रग्स डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश के गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, जो NDPS रूल्स है उनको फॉलो करें, ताकि आपका काम भी आगे बढ़े, आप भी प्रॉस्पर करो और हिमाचल प्रदेश भी ठीक रहे और हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो ड्रग्स के एडिक्ट ना हो। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपके अभी कोई क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न होंगे, वील बी हैप्पी टू टेक देम। सर एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूँगा, ड्यूरिंग कोविड टाइम्स इवन अवर इंडस्ट्रियल एरिया इट हैज मेड सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। PAPL दे आर द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एथनॉल इन इंडिया। इंडिया में जितना भी ये हमारा सैनिटाइजर बना है, हिमाचल में जितना बनता था उसका 70% हमारे संसार को टेरिस से जाता था इसका। सो आर इंडस्ट्रियल एरिया एंड मिस्टर धनेश इज देयर फ्रॉम PAPL, दे आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ एथनॉल। So our contribution in fighting COVID is equally, now it is marginal, but it's sanitizer. Definitely sir. इस किसी के related में question था sir, एक उस माँ मरे थे जो रहने, उसने क्या था कि हमारे देश का अपनी टाइटल पूरा हो, क्या पूरा टाइटल 25,000 लीटर, हमारे यहाँ 92 इशू हुए हमारे देश में, उसमें हमारे तो उस जब कैसे कैसे चाहिए कि हमें 200 इंटरनेट ड्रम स्पीड हो वो हमें मिल सके। लेकिन वो तो मतलब इट्स नॉट अ लॉ एनफोर्समेंट इशू ना, वो तो आपको ड्रग कंट्रोलर के साथ सेटल करना पड़ेगा। क्या ही वांट्स टू से कि जैसे हमने आपने इथेनॉल के लिए लाइसेंस दिए इंडस्ट्री को टेम्परेरी L19, तो उसमें एक लॉ लगा दिया हिमाचल सरकार ने that you have to lift minimum 5,000 liter. So small manufacturers, they are unable to lift that. हाँ वो देखिए ऐसा वो इसलिए ना, इथेनॉल इज ऑल्सो द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर अल्कोहल एंड वी हैव डन दैट एंड आई कैन से विद प्राइड दैट देर इज इथेनॉल एंड IPA आइसोप्रोपाइल तो ज़्यादा चला नहीं, इथाइल अल्कोहल चला, ठीक है। सो देर इज इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड देर इज समथिंग विच इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। नाउ व्हाट हैपेंस इज इफ यू डू इट इन स्मॉल क्वांटिटीज इट इज लाइक टू बी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड देन दे विल डाई बिकॉज इम्प्योरिटी होती है। सो व्हेन वी थॉट ऑफ दिस वॉज दैट वेरी सीरियस प्लेयर्स शुड एक्चुअली डू इट, इट इज नॉट नॉन सीरियस प्लेयर्स। व्हाई डू यू वॉन्ट 200 लीटर ड्रम? Because what will happen is people will drink and then they'll die, or yeah, unki matlab sight lose ho jayegi, then who will be responsible, who will answer to the public? Sir, uska matlab
ये इसीलिए है ना, यू कैन ड्रिंक दिस ऑल्सो। नहीं सर, इसको ना आपने बोलो, आपने पहले ही चेक कर दिया, यू गॉट इट डीनेचर्ड। हां, डीनेचर्ड, यू गेट डीनेचर्ड इथनॉल व्हिच इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दैट हैज ऑलरेडी बीन डन। बट आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस। वो शराब उनको सस्ती मिलेगी, दे डोंट रियलाइज दैट इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इन पंजाब, सो मेनी पीपल डाइड। So, who will do the quality check? Only large, see, serious players will buy large quantity, no? So, how will you prevent proliferation agar choti choti quantity hai? How will you be able to check it? लोग ना एनोनिमस रिपोर्ट डाल देते हैं, जैसे कोई डिसग्रंटल इंक्वायरी या कोई छोड़ के चला गया तो वैसे ही कंप्लेंट डाल देते हैं और सारी वो इंक्वायरी आ जाती है। सो जो भी कंप्लेंट करता है या तो उसकी बाद में ही सही, आपके पास उसकी कोई वो होनी चाहिए कि जो भी कंप्लेंट करे उसकी वेरिफिकेशन तो हो किसने की, इफ दैट इज पॉसिबल। देखिए ऐसा है कि आई विल टेल अबाउट दिस बिकॉज आई हैव बीन सीबीओ इन द मिनिस्ट्री ऑल्सो। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की गाइडलाइंस है, एनोनिमस एंड सुडोनिमस कंप्लेंट्स आर नॉट टू बी इंक्वायर्ड इनटू, सो वी आर नॉट इंक्वायरिंग इनटू दिस। सो बिकॉज इवन इफ यू इंक्वायर द केस इज रजिस्टर्ड और इट गोज टू द कोर्ट, समवन हैज टू डिपोज इन द कोर्ट। एवरी स्टेट इज डिफरेंट और हिमाचल प्रदेश वी प्राइड इन द बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, और ये बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं। आपने अभी ट्विटर पे न्यूज़पेपर में देखा होगा कि सैलानियों की भीड़ है हिमाचल प्रदेश में, और हम देख रहे थे एवरेज 18,500 गाड़ियाँ डेली आ रही हैं, एंटर कर रही हैं हिमाचल प्रदेश में। ये नॉन हिल स्टेशंस लाइक शिमला, धर्मशाला, मनाली भी जा रही है और डीप इंटीरियर्स में भी जा रही है। इसमें कई महिलाएं भी हैं, अकेली महिलाएं भी आई है। ये हम प्राइड करते हैं एक्सीलेंट लॉ एंड ऑर्डर जिसकी वजह से लोग देश से आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश। दिस इज़ नॉट हैपनिंग इन पंजाब, सो पीपल आर नॉट गोइंग टू पंजाब टू स्पेंड देयर हॉलीडेज, ऐसा तो है नहीं। सो वी कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस एंड वी टेक प्राइड इन हाउ द स्टेट इज। सेकेंड थिंग इज वी डोंट वॉन्ट आर स्टेट टू बिकम लाइक पंजाब वेयर एडिक्शन इज द मेजर इशू या ड्रग स्मगलिंग इज द मेजर इशू। तो हम लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ हम चाहते हैं कि ड्रग फ्री भी स्टेट रहे। देखिए 18,500 गाड़ियाँ आती हैं, 2-4 कर लीजिए 70,000-72,000 लोग आते हैं, लेकिन आपने इसके साथ इंसिडेंट्स ऑफ ड्रग्स नहीं, मतलब दे कम फॉर होलसम वकेशन, अपना क्लीन वकेशंस के लिए आ रहे हैं, और कई लोग तो होम स्टेज में रह रहे हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम WFH बोल रहे हैं, अब लोग बोल रहे हैं इट शुड बी चेंज टू वर्क फ्रॉम हिमाचल बिकॉज सो मेनी पीपल आर कमिंग टू हिमाचल टू वर्क फ्रॉम होम, उन्होंने होम स्टेज महीनों के लिए ले लिए। So we need to follow what is right. What is there in our neighboring state, that is not a role model for us. Rahi baat, I'll come to the first point, prescription ki. Dekhe, law is the same, law is very clear. Misuse hai, jahan se misuse hai, he'll be caught. Humne koi exception isme kiya nahi hai. NDPS Act, Red Pill Drugs and Cosmetic Act, jahan jis pe lagu hoga, hoga. दूसरी बात है कि मैं पॉलिटिकल आर्गुमेंट में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर कोई ऐसा लगे कि हमारा जो सोर्स है ये पंजाब में है तो हम ज़रूर एक्ट करते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, ऊना में एक बुक्की का ट्रक पकड़ा गया और उसमें 70,00,000 के करीब जो है प्रॉपर्टी उसकी पंजाब में थी, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में, वो लैंड अटैच हो गया। तो हम तो बैकवर्ड लिंकेज भी कर रहे हैं, फॉरवर्ड लिंकेज भी कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये तो आप फार्माओपियाइड्स की बात कर रहे हैं, जो हिमाचल की चरस है ये विश्व में मशहूर है और मलाना क्रीम बड़ी हाई रेटेड है। मैंने क्रिसमस के आसपास खबर पढ़ी कि हिमाचल प्रदेश की चरस 34 किलो पूना रेलवे स्टेशन में पकड़ी गई। मैंने तुरंत डीजीपी
महाराष्ट्र से बात की और वो बाद में भी डायरेक्टर सीबीआई बन गए सुबोध जायसवाल। उन्होंने टीम भेजी और यहाँ से हमने अरेस्ट करके उनको दे दिए। वहाँ भी अरेस्ट हुए, यहाँ भी हुए, बैकवर्ड लिंकेज फॉरवर्ड लिंकेज, और उनकी प्रॉपर्टी अटैच भी हुई। एक और केस है सूरत में, पुलिस कमिश्नर मेरे बैचमेट हैं, वहाँ तीन लोग एक एसयूवी में हिमाचल से चरस ले जाते हुए पकड़े गए। उन्होंने कसोल से 7-8 किलो चरस खरीदी थी और सीधा ड्राइव करके नॉनस्टॉप 20 घंटे में वो सूरत पहुंच गए, वहाँ अरेस्ट हुए। और वहाँ हमने बोला कि अपनी टीम भेजो, तो लोग यहाँ से भी अरेस्ट हो गए। हम वहाँ की जो प्रॉपर्टी है उसको भी अटैच करवा रहे हैं, यहाँ की प्रॉपर्टी उसको भी अटैच करवा रहे हैं। जो जो केस हमको पंजाब से सोर्स मिल रहा है, हम उनके खिलाफ़ भी एक्शन कर रहे हैं। आप ये नहीं सोचिए कि हम आउट ऑफ द स्टेट एक्शन नहीं कर रहे। हमने 6.5 किलो प्योर हेरोइन एक अफ्रीकन से पकड़ा दिल्ली में, जिसकी वैल्यू 30 करोड़ से ज़्यादा है। तो हमको जहाँ मिल रहा है, लिंकेजेस मिल रहे हैं, आगे मिल रहे हैं, पीछे मिल रहे हैं, उसको कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि मतलब वी आर पॉलिटिकली आइसोलेटिंग आवरसेल्फ, दैट इज़ नॉट द केस। हमारा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है ड्रग अब्यूज़ को कम करना, और इलिसिट ट्रैफिकिंग है ना, जो बेसिकली स्मगलिंग है ड्रग्स की, इसको कम करना। देखिए, ड्रग कंट्रोलर ने लॉज बनाए हैं, ये वो तो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर मान लो मैं गाड़ी चलाता हूँ सड़क पे, तो जो ट्रैफिक लॉज नियम है भारत के, वो तो फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो मैं घर में बैठूँ। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे को तो फॉलो करने पड़ेंगे, या मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लूँ, जो ड्राइवर है वो फॉलो करेगा। तो ऐसा सिचुएशन तो नहीं हो सकता कि मैं गाड़ी भी चलाऊं और जो ट्रैफिक के नियमों का पालन भी ना करूं। तो ये जो लॉ ऑफ द लैंड तो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन हमारी बेसिकली मंशा यही है किसी को अनड्यूली हैरेस नहीं करें, और हमने किया भी नहीं ऐसे। जहां हमारा मैंडेट नहीं, हम वहाँ नहीं जाते। जहाँ ड्रग कंट्रोल का मैंडेट है, ये करेंगे, हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक बार जब मिसयूज़ है या क्रिमिनल केस बनता है, उसमें मेरा यही कहना है कि हम फिर उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस पूरा करेंगे, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बाकी जो है कि जो ऑनरेबली अपना बिजनेस कर रहा है, इट इज़ आर ड्यूटी टू हेल्प यू, इट इज़ आर ड्यूटी टू सिक्योर यू, इट इज़ आर ड्यूटी टू प्रमोट यू। नजदीक लाउड बोलो, क्लियर हो जाएगा हमको, सुन समझ नहीं आ रहा। हाँ अब बोलो, नजदीक रखो। नजदीक रखो ना इसको, जो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। ये तो बेसिकली विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ ड्रग कंट्रोल है कि उसको डिस्पोजल कैसे करें। हाँ, तो उसको डिस्पोजल करने के लिए प्रोसीजर होगा ना, आपके रूल्स में उसको फॉलो करो, हमारा तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। देखिए, ऐसा है, मेरे फैक्ट्री में क्या मटेरियल पड़ा है, ये मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है। मेरा जुरिस्डिक्शन तब आता है जब उसका मिसयूज़ है, क्रिमिनल मिसयूज़ है। बाकी तो आप जो कर रहे हैं करते रहें, हमको क्या लेना देना उसमें। आप जो ड्रग बनाना है बनाते रहो, हमको तो इसकी नॉलेज नहीं है। लेकिन जहाँ नार्कोटिक्स है, बेसिकली ड्रग्स है, मिसयूज़ है, तब हमारा जुरिस्डिक्शन आता है, अदरवाइज़ हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। फिर भी जैसे शराब है, वो एक्साइज का मामला है, लेकिन जहाँ हमारा जुरिस्डिक्शन बनता है, स्मगलिंग है, वहाँ अलग बात है। ठीक है, और जैसे नार्कोटिक्स है ना, नार्कोटिक्स जैसे मैं चरस हूँ, अफीम ले रहा हूँ या हीरोइन है, इसका मियर पोजीशन इज़ अ क्राइम। ये फार्माओपिएट्स का पोजीशन क्राइम नहीं है, लेकिन इसका मिसयूज़ क्राइम है। ठीक है, आपकी फैक्ट्री में कितना पड़े रहे, हमको क्या लेना देना उससे।
आप टंस रखो, अगर आप बोनाफाइड है टंस रखो, लेकिन मैं अपने घर में एक किलो चरस भी नहीं रख सकता, क्योंकि दैट इज बैंड, दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक, चलें। This short introduction has suddenly turned Dash with the words full of insight and sagacity. Thank you, sir. In the end, I would request SSP Kanda Vimukt Ranjan sir to propose the vote of thanks. Respected Shri Sanjay Kudu sir, DGP Himachal Pradesh. Respected Sumedha Dwivedi ma'am, DIG Gautam Raj, Secretary HDMA Shamadi, and Pharmaceutical Manufacturers Kamala K. or Nasi. Best of it. Sir, कांगड़ा पुलिस की ओर से और जो मैन्युफैक्चरर्स फार्मा ऑपियोइड्स के आज यहाँ उपस्थित हैं उन सब की ओर से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद कर रहा हूँ सर कि आपका जो कीनोट एड्रेस था और जिस क्लैरिटी के साथ आपने सारी चीज़ों को समझाया और हमारे समक्ष रखा उससे हम सब भी लाभान्वित हुए हैं और आई एम श्योर कि हमारी जो ड्रग्स के अगेंस्ट लड़ाई है जिसमें फार्मा ऑपियोइड्स भी शामिल हुए हैं रिसेंटली कुछ इंसिडेंट्स की वजह से उसमें भी हम बेहतर तरीके से जो भी गवर्नमेंट के दिशा निर्देश हैं जिनको क्लैरिटी से आपने बताया है उनका अच्छे से पालन करेंगे और हम लोग ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के और फार्मा ऑपियोइड्स मैन्युफैक्चर साथ मिलकर के बेहतर तरीके से काम करके कोशिश करेंगे कि ये इनका मिसयूज़ ना हो और जो हेरोइन के सब्स्टिट्यूट के रूप में ट्रेमाडोल का यूज़ होता है और मार्केट में आती है वो ना आए। सो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका भी बहुत धन्यवाद फॉर मेकिंग दिस प्रोग्राम अ ग्रेट सक्सेस सर। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर जी। रिक्वेस्ट यू फॉर अ कप ऑफ टी विद आवर पीपल इफ यू कम यहीं बैठ के लेंगे सर। ये फैक्ट इज अ वेरी नोबल वंडरफुल इनिशिएटिव टू हैव डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द स्टेक होल्डर्स दैट नेवर हैपेंड। I've checked from other states, even from Gujarat, the big manufacturers, never ever regulator has interacted directly with the stakeholders. So, thanks a lot for that. ऐसा है कि मैं CM office में रहूँ ना तो थोड़े नेतागिरी के traits आ गए मेरे में। ये बोल नहीं सकते ना बात हो गई। तो थोड़े traits वैसे आ गए ना नेतागिरी तो क्या करें? इसको बहुत फायदा होता है डायरेक्ट संवाद करने बहुत फायदा होता है। ये सर मैं इंस्पेक्टर रामचंद्र कि 2018 तक उसमें नहीं आते सर। प्लीज एक छोटा सा अब जो है वो आने लग पड़ी है जिनकी पहले जो स्टॉक है उनका क्या नहीं नहीं वो तो